सरना धर्म कोड होना चाहिए। हेमंत सोरेन को हम लोग को अधिकार नहीं मिलेगा तो देखना नहीं चाहते हैं, और हम लोग को अधिकार नहीं देगा तो हम लोग वोट नहीं दे सकते हैं उसको। जो हमारा आदिवासी का जो प्रकृति धर्म है उसका भी एक मायने है और उसे भी एक अच्छा प्रॉपर स्थान मिलना चाहिए। हम लोगों को सरना कोड दीजिए और हम लोगों को जो आदिवासी का जमीन को लूट रहे हैं और बिक्री भी कर रहे हैं उनको हम लोगों को वापस करना है। आदिवासियों के लिए अलग से जनगणना में धर्म कोड की मांग हाल के वर्षों में जोर शोर से उठी है। बड़े वोट बैंक को देखते हुए झारखंड में सक्रिय सभी राजनीतिक दल इस मुद्दे को हवा देते हैं। तमाम प्रमुख दलों ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में सरना धर्म कोड की वकालत की है। वहीं आज अलग अलग शहरों से सरना धर्म कोड मांग को लेकर लोग रांची पहुंचे हैं। इनका कहना है कि सरना धर्म कोड हमें मिलना चाहिए, ये हमारा हक है। वही हमने भी जाना कि सरना धर्म कोड पर लोगों की क्या राय है। आपको सुनते हैं कि अगर सरना धर्म कोड नहीं लागू होता है तो आदिवासी समाज क्या करेंगे। हम लोगों को सरना कोड दीजिए और हम लोगों को जो आदिवासी का जमीन को लूट रहे हैं और बिक्री भी कर रहे हैं उनको हम लोगों को वापस करना है सरकार को, और जितना हमारा धर्म को मौजूद करना है। क्या आप मांगे रहेंगे? हम लोग तो अभी सरना कोड को मांग रहे हैं। सरकार नहीं देगी तो क्या कीजिएगा? आप तो कह रहे हैं आप तो नहीं देंगे उसको क्या करेंगे, लेकिन हम लोग तो कह रहे हैं कि मांग है दीजिए। अब तो नहीं देंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, लोग तो हम तो कहना है कि दीजिए। हेमंत सोरेन को हम लोग को अधिकार नहीं मिलेगा तो देखना नहीं चाहते हैं, तो हम लोग को अधिकार नहीं देगा तो हम लोग वोट नहीं दे सकते हैं उसको, दूसरा चुनाव उम्मीदवार को दे सकते हैं। सरना धर्म कोड, हाँ हम लोग तो उसी मांग को लेकर आए हैं। सरना धर्म कोड होना चाहिए, हाँ लागू होना चाहिए। नहीं, हम लोग जब हेमंत सोरेन इतना कुछ कर रहे हैं तो हम लोग उनको ही देखना चाहेंगे। हमारे लिए वो काफ़ी कुछ किए हैं और अभी हम लोग इतने जल्दी हार नहीं मानने वाले हैं। जनता इसी के लिए यहाँ पे इतना मतलब रैली कर रही है, तो हम लोग चाहते हैं कि धर्म कोड लागू हो। अभी तक जब से झारखंड बना है अभी तक हमारे जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आए हैं उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। इन्होंने अभी तक अभी जो भी इन्होंने राज्यसभा में जो बात किया डोमिसाइल पॉलिसी को भी लेके, उस पर भी काफ़ी उन्होंने काम किया है और उनको काफ़ी आदिवासियों का यहाँ से सपोर्ट मिल रहा है। जहाँ पर बात है सरना कोड की, उसको आदिवासी लोग बहुत पहले से ही इसको लागू करने के लिए मांग कर रहे हैं और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरीके से भारत के धर्म को डिफाइन किया गया है उसमें कहीं भी आदिवासी जिस तरीके के धर्म को मानते हैं उसको कहीं पे स्थान नहीं मिला गया है, तो उसे हम सरना कोड के थ्रू हम इसे कहीं ना कहीं रिकग्निशन लाना चाहते हैं कि जो हमारा आदिवासी का जो प्रकृति धर्म है उसका भी एक मायने है और उसे भी एक अच्छा प्रॉपर स्थान मिलना चाहिए। अपने राज्य से जुड़ी हर ताज़ा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।